कटल बटल में आए हैं। कटल बटल तो हमने शुरुआत की थी वो उस पुल से, वो पुल पार करके हम इस ट्रैकिंग पे जहाँ से चढ़ के आ रहे लड़के यहाँ से आए हैं और आगे की ओर ऐसी खड़ी चढ़ाई है जहाँ मेरा फ्रेंड आपको दिख रहा है जाते हो। तो चलते चलते सांसें मेरी थोड़ी फूल गई। तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है रेस्ट करने के लिए, यहाँ से जाके इधर पे थोड़ा रेस्ट करना था, तो लेकिन हम रेस्ट नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये रुक रहा नहीं है। तो चल नहीं पा रहे चाचा, देखो कैसे आ रहे हैं, इतनी मेहनत करते वो उतराई पे है। तो चढ़ाई करते करते अचानक से उतराई आ गई, सोचा आपको ये भी दिखा दूं। चढ़ाइयों के बीच में उतराई भी है, अब पता नहीं ये इकलौती उतराई है या फिर आगे और भी ऐसी है। चढ़ाई तो बहुत गंदी थी शुरू में। तो एक और व्यू पॉइंट है बहुत ही प्यारा सा, आपको भी हम इधर पे दिखाते हैं। अपना भगवा झंडा यहाँ पे लगा हुआ है, तो सनातनी झंडा हमारा, साथ में हम आपको इधर पे व्यू पॉइंट पे दिखाते हैं कैसा व्यू है यहाँ से। क्योंकि मुझे पता लगा है वीडियो शूट कर रहा है तो ये भी मैं ब्लॉग में ऐड कर दूंगा, आप देखिए मैं कैसे जाता हूं। गिर गया तो कोई बात नहीं, अभी भी मैं काट कर दूंगा। हम यहाँ से नीचे जा रहे थे, यहीं से नीचे जाएंगे और मैं अपने दोस्त को बोल रहा था कि देख सारी उतराई उतराई, चढ़ाई तो कुछ थी नहीं। फिर मुझे अचानक से याद आया वापसी में तो सारी चढ़ाई चढ़ाई है। तो और दूसरा, यहाँ पे हमको कुछ बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिला, यहाँ की लोकल लाइब्रेरी है ये। आपको नामकरण करना होगा बच्चों का, आप इनमें से कोई भी नाम चूज कर सकते हैं। वहाँ से आते आते हम यहाँ से जाएंगे सीधा उस रास्ते की ओर, और रास्ते में है ये बोर्ड और ये है वो जगह जहाँ पे हम आज जा रहे हैं। इस रास्ते से जा रहे हैं और आपको दिख रहे होंगे रास्ते में पंगी। तो यहाँ से रास्ता है पूरा आगे की ओर। तो व्लॉग करते करते कुछ युवक हमको दिख गए थे जो कुछ अपनी एंजॉयमेंट कर रहे थे, तो उनका फेस कैप्चर ना हो जाए इस कारण उन्होंने हमें मना किया, आप प्लीज़ हमारी शक्ल नहीं लाइए। तो हमने उनको स्किप करते हुए आगे ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक दिखाने के लिए आपको वापस से क्लिप चालू की। तो हम जा रहे थे तो हमको रास्ते में ये एक अलग सा रास्ता दिखा, रेतीला भर जाता है। हाँ ये कुछ बोल रहे हैं, बोलिए आप कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ तो ये जो रास्ता है देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पेड़ों के नीचे से जा रहा है, लेकिन ये रास्ता नहीं है, ये जो पहाड़ों में बारिश होती है, ऊपर पहाड़ों से पानी इधर से आता है फिर यहाँ से जाके सीधा तवी में मिल जाता है। गाइस हम चलते चलते आधे रास्ते में पहुंच गए तो अचानक से मेरे को कुछ दिखा, वो गुफा। ये आपको सामने से नहीं दिखेगी तो मैं जूम करता हूँ। सो ये देखिए, यहाँ के पंडित कह रहे हैं कि ये गुफा निकलती है वैष्णो देवी में। मतलब अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं फेंक रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है फेंक रहा हूँ तो पकड़ लो, लेकिन यहाँ के पंडित बोल रहे हैं ऐसा होता है। तो जो आपको समझना हो हम समझ लो, कश्मीरी पंडित। तो यहाँ कुछ है झाड़ियों में, वो क्या है वो भगवान ही जाने, हम तो नहीं जानते हैं। तो हम चलते हुए आगे की ओर और आपको आगे दिखाएंगे क्या है। तो चलते चलते हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, तो हम आपको दिखाते हैं जो मंदिर है, ये रहा वो मंदिर जहां हम जा रहे थे। तो यहाँ पे शॉप्स भी हैं एक दो, किराना शॉप्स भी है, कराना जो भी बोलते हो। यहाँ बहुत अच्छा बड़ा कुत्ता है, काटे ना, बाकी सब ठीक है। जैसे आपको दिखाता हूँ जूम करके, देखिए कैसे देख रहा है हमको। तो यहाँ पे काफ़ी पुराने टाइप की शॉप्स हैं, झुग्गी मतलब झोपड़ी टाइप, और यहाँ ये कह रहा है कि मैगी मिलती है तो हम मैगी खाएंगे। मैगी ले लिए और अब देखिए कितना अच्छा तवी के व्यू, किनारे पे बैठ के लगभग हम यहाँ पे मैगी अब एंजॉय कर रहे हैं बाबा के साथ बैठ के। भाई को लग गई थी भूख तो मैगी मंगाई इसने, मुझे नहीं थी लेकिन अब कंपनी देने के लिए पेट देखो इसका खा रहा हूँ मैं। सीरियसली मुझे पेट देखना,
मेरा पेट कितना है देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही बस बोलता रहता है, नॉर्मल है। क्या है ये अंदर क्यों किया है? There is nothing. अच्छा, करे कोई डाइट नहीं इतना है। फैट परसेंटेज 32%, नॉर्मल पेट है मेरा। तो जब यहाँ पहुँचते हैं मंदिर में, तो यहाँ से नीचे उतरते हैं, यहाँ से ये स्टेयर्स है जहाँ पे लड़के खड़े हैं, और फिर यहाँ से नीचे जाके शूज खोलते हैं। नीचे यहाँ पे जहाँ पे नीचे लड़के खड़े हैं वहाँ तक जाने के लिए आपको शूज उतारना मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पे इनके देवते होते हैं। तो फिर वहाँ पे वो अपनी पूजा रिचुअल्स करते हैं जैसे आप की देख रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं नीचे मेन स्थान पे, जहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया मछलियाँ भी है, और उन मछलियों को पकड़ना सख्त मना है, क्योंकि माना जाता है कि वो मछलियाँ इनके देवता की जब शादी हुई थी उनको दहेज में मिली थी। तो जाते जाते हमको ये फ्रेंडली सा डॉग मिल गया है, बहुत ही बड़ा है ये, तो इसको बुला रहे हैं। देखिए कितना फ्रेंडली है, बिस्कुट लेते हुए इस डॉग को खिलाने हैं। डॉग, ओह माय गॉड, कुत्रे को पार्ले जी, लेकिन कुत्तों को बिस्किट नहीं खिलाना चाहिए, दिमाग खराब होता है क्योंकि ब्रश नहीं कर सकते। इस डॉग को खिलाते खिलाते ओह माय गॉड हमको एक और कुत्ता मिल गया। देखिए कितना खुश हो गया, दुम मिला रहा है अपनी। एक्साइट हो गया, बोल रहा है पैट कर। तो बिस्कुट रखना, नीचे खाएगी एक। ये हम उसको खिला रहे थे, और उसको खिलाते खिलाते ये महाशय वापस आ गए हमारे पास, जो कि बहुत ही प्यारा और फ्रेंडली और बिग डॉग है। कितना बड़ा और देखो कितना शेर जैसा कुत्ता है। तो हम आ गए हैं मेन जगह पर, देखिए यहाँ पे बोलते हैं मछलियाँ होती हैं, हम आपको दिखाएंगे मछलियाँ। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। शूज खोलना मेन है यहाँ पे, क्योंकि पवित्र स्थान है। और वो भैया जूम करके दिखाएंगे वो मछलियों को, शायद चारा डाल रहे हैं उनका खाना, जो भी हम भी देखते हैं, हम भी कोशिश करते हैं। भाई मगरमच्छ मछलियों को खाना खिला रहे, ये मजा आ जाएगा, इसको पकड़ेगी ना, हाँ स्वाद आ जाएगा। हाँ तो तेरे को क्या लग रहा है, तेरे हाथ से खाएगी? आई 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 बोल रहा हूँ, आएगी इधर। देखो कैसे ले रही है, दिख रहा है? ये देख अभी आएगी, अभी देख पकड़ेगी, ये देख लेगी, है ना? ये देख फाइनली सब कुछ पूरा हो गया, जो रहा मंदिर वहाँ पे टॉप पे जहाँ पे उतर, उसके नीचे ही आते हुए यहाँ पे देवते हैं, और यहाँ नदी में है मछलियाँ। ये है तवी रिवर, जिसको देख के मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये वहाँ से भी बह रहा है, यहाँ से भी बह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा व्लॉग एंटरटेनिंग लगा होगा। हमको डॉग्स वहाँ पे मिले थे, जिसको अभी थोड़ी देर के बिस्किट खिला रहे थे। देखिए ये दोनों हमारे साथ हमको ऊपर तक छोड़ने के लिए आ रहे हैं, ये तो चाहते हैं हमारे साथ घर ही आ जाए, लग हो ही रहा है। अब ये बोल रहे हैं इनको वापस जाने के लिए, लेकिन ये जिद कर रहे हैं बच्चों की तरह, बोलते नहीं हम तो आएंगे आपके साथ, हम तो आपके साथ आएंगे, इनको लगाव हो गया है हमसे, आगे आगे चलेंगे। अब देखिए व्लॉग करते करते हमने दो दोस्त भी बना दिए, शाबाश। शेरू हमारे साथ आते हुए मेन अट्रैक्शन ऑफ अवर व्लॉग, मंदिर तो था ही था, बट ये दो भी। इतना ही था आज के व्लॉग में, तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।